ओए सिंचन, तेरे को क्या पीछे से बहुत जोर से कोई धक्का लगा? हाँ भैया, लगा मुझे भी। अरे हाँ सिंचन, हो सकता है कोई जोर का हवा लगा हो। कोई बात नहीं छोड़, मैंने ना एक प्लान किया है उस क्रश की लड़कार को मारने के लिए। कैसा प्लान है भैया? देख सिंचन, मेरे पास टोनी स्टार्क भाई का नंबर है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको सब कुछ बता दूँ, शायद वो अपना हेल्प कर देगा। ओए सिंचन, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। हाँ भैया, मैं भी देखूंगा। हाँ तो तेरे को मना कौन किया है, आ जा। लेकिन सिंचन, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके वो काम अपना निपटाना पड़ेगा। हाँ भैया। ओए सिंचन आ जा जल्दी से, टीवी चालू कर दिया। ओए तेरा एक्शन कमिंग चल रहा है। सच में भैया? हाँ सच में, लेकिन अभी शहर का हालत बहुत खराब है इस डेट कार की वजह से, तो थोड़ा न्यूज चैनल देख लेते। ओए कैसा रिमोट है यार, काम ही नहीं करता, शायद रिमोट चेंज करना पड़ेगा। सिंचन ओए अभी हुआ काम? ओए सिंचन जल्दी आ जा, ये डेट कार दोबारा आ चुका है, न्यूज में दिखा रहा है। कहाँ है भैया, कहाँ है? अबे ये देख, बोला जा रहा है कि ये गाड़ी बहुत खतरनाक है एंड पीछे DEAD डेड लिखा हुआ है, एंड पूरा शहर में ये गाड़ी तबाही मचा के रख दिया है। गाड़ी पे गाड़ी उड़ा रहा है, पुलिस को भी मार रहा है। 60 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर मर चुका है इस गाड़ी के वजह से। पुलिस भी इस गाड़ी को रुकाने के लिए नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। गली गली पे बच्चे लोग भी डरने लग चुका है इस गाड़ी के वजह से। मिलिट्री तक आ चुका है इस गाड़ी को रुकाने के लिए, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रहा है। एंड सबसे मेन बात ये है कि इस गाड़ी पे जितना भी गोली मारा जा रहा है, उतना ही ये गाड़ी और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। पता नहीं क्या होगा इस गाड़ी का, अभी तो लग रहा है कि पुलिस भी इस गाड़ी को रुका नहीं पाएगा। क्या लगता है दोस्तों, क्या इस गाड़ी को रुकाया जाएगा? धीरे धीरे पूरा शहर तबाही होते जा रहा है, पुलिस का गाड़ी भी ब्लस्ट हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके से। और अगर ऐसे ही चलता जाएगा तो पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा। और देखो दोस्तों कैसे ये गाड़ी मिलिट्री को मार रहा है, और ये गाड़ी सिर्फ पब्लिक को ही परेशान नहीं कर रही है, ये गाड़ी साथ में हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन सब कुछ तबाही कर चुका है। बस यही नहीं, तो ये गाड़ी कैसे हवा में उड़ता भी है। और आजकल का बच्चे लोग इस गाड़ी का नाम रखा है मॉन्स्टर कार, कोई कोई तो बोलता है डेट कार, एंड मैक्सिमम लोग बोलता है ये क्रश किलर कार है, क्योंकि ये सबको उड़ा रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या इस गाड़ी को रुकाया जाएगा या फिर नहीं? तो कमेंट में जरूर बताना आपका जो भी राय है। और बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है कि ये गाड़ी हवा में उड़ता है लाइक एरोप्लेन की तरह, जैसे कि अभी उड़ रहा है। देखिए आप लोग कैसे ये गाड़ी हवा में डायरेक्ट एरोप्लेन की तरह उड़ सकता है। ओए सिंचन, और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, चल जल्दी से टोनी स्टार्क भाई के पास। हाँ भैया चलो चलो। ओए डेट कार्ड, आज तेरे को कोई बचाने नहीं वाला है, आज तो तू खत्म होने वाला है डेट कार्ड। तू पुलिस को तो मार सकता है, लेकिन आयरन मैन को नहीं मार सकता। आजा सिंचन बैठ जा। भैया कितना दूर है टोनी स्टार्क भाई का घर? देख सिंचन, जाने में तो टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दूर है टोनी स्टार्क भाई का घर, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार कि टोनी स्टार्क भाई अपने घर में रहेगा कि नहीं। और अगर फुल एवेंजर्स टीम एक साथ रहेगा ना, तो उस डेट कार्ड का तो ऐसा तैसा हो जाएगा सिंचन। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया होगा फिर तो। वही सिंचन, लगभग हम लोग टोनी स्टार्क भाई के घर के आसपास आ चुके हैं, और थोड़ा सा ही रास्ता बचा है सिंचन। गाइस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल में जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दो। हाँ गाइस जल्दी से कर दो, ताकि अपना चैनल भी मोनिटाइज्ड हो जाए, एंड लाइक भी कर दो अगर वीडियो पसंद आता है तो। वही सिंचन, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, यही रास्ता है टोनी स्टार्क भाई के घर का। अरे बाप रे भैया, ये तो बहुत बढ़िया घर है यार। और भैया आपने तो कॉल भी नहीं किया टोनी स्टार्क भाई को। देख सिंचन, वो फोन नहीं उठाता क्योंकि उसके पास दिन में हजारों कॉल आता रहता है ना। हाँ भैया बात तो आपने सही कहा यार। और एक गार्डन देख ले सिंचन, कितना बड़ा गार्डन है इसका। अरे हाँ भैया, बहुत बड़ा गार्डन है इनका तो। वही सिंचन देख ले, ये एंट्रेंस है मेंशन का। भैया आप जल्दी से गाड़ी को पार्क करो। वही सिंचन जल्दी से उतर जा, देखते है टोनी स्टार्क भाई अंदर मिलता है कि नहीं। मुझे तो लगता है भैया कि मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा ना तो बहुत बढ़िया होगा यार। सिंचन आजा धीरे धीरे आजा। हाँ भैया। इधर क्या लिखा हुआ है, स्टार्क इंडस्ट्रीज। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया है यार। सिंचन चिल्लाना मत अंदर जाके, अगर टोनी स्टार्क भाई गुस्सा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार, कोई काम ही नहीं होगा। गाइस मैं धीरे धीरे ढूंढ रहा हूँ टोनी स्टार्क भाई किधर है। और कैसे हो फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड उसका भाई सिंचन? ओए सिंचन, इसको तो अपना नाम भी पता है यार। और कैसे आना हुआ फ्रैंकलिन क्लिंटन मेरे डोर पे? वो तो समझा सर, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है और मेरा भाई
का भी नाम कैसे पता है आपको? देखो फ्रैंकलिन, मैं सबको स्कैन कर सकता हूँ और तुम भी अभी स्कैनर के अंदर ही हो एंड साथ में तुम सीसीटीवी के अंदर भी हो। तुम बस ये बताओ फ्रैंकलिन कि तुम इधर क्यों आए हो? यस टोनी स्टार्क, आपने मेरा नाम सही से लिया है, लेकिन यार आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस सिटी को बचाना है अभी। अब हंस क्यों रहे हैं सर? देखो फ्रैंकलिन, तुमसे पहले बहुत लोग आ चुका है क्रश कार के बारे में बताने के लिए एंड इसीलिए मैं एक सूट बना रहा हूँ ताकि इस क्रश कार को उड़ा पाओ। अच्छा सर, ठीक है फ्रैंकलिन, मैं अब जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। हाँ बताइए सर, क्या करना है? साइड से देखो, सीढ़ी है, वहां से ऊपर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ सर। अब देखो तुमको रूम मिलेगा, उधर से थर्ड वाला रूम में आ जाओ। ठीक है सर। देखो फ्रैंकलिन, मैं ऑलवेज कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्रश किलर कार को खत्म करने का। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन धीरे धीरे वो क्रश किलर कार पूरा लॉस सैंटोस खत्म कर रहा है और ज्यादा टाइम नहीं है सर अपने पास, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं बहुत दिन से एक सूट रेडी कर रहा था और अभी वो सूट बन के तैयार हो चुका है। अभी टाइम आ चुका है फ्रैंकलिन उस क्रश किलर कार को खत्म करने का। तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ और टीवी चालू करो, पता चल जाएगा। थैंक यू सर। गाइस मैंने बोला था ना कि वो क्रश किलर कार अभी खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि पार्ट 9 में बहुत बड़ा खतरनाक, बहुत सारा हंगामा होने वाला है। देखो अभी ये गाड़ी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ओए सिंचन, टोनी स्टार्क भाई ने कहा है कि बहुत जल्द वो गाड़ी तबाह हो जाएगा। सही में भैया? अरे हाँ रे सिंचन, और टोनी भैया ने बोला कि घर जाके टीवी ऑन करने को, तो चल जल्दी से घर चलते है और टीवी ऑन करते है। दोस्तों क्या इस गाड़ी को पकड़ सकता है कोई? सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि इस गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, ये गाड़ी अपने आप चल रहा है, अपने आप उड़ रहा है, जो भी ये गाड़ी कर रहा है सब अपने आप हो रहा है। यस मैं पाइनवुड के ऊपर ही पहुंच चुका हूँ, लेकिन वो गाड़ी अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाड़ी जल्दी से अपने हाथ में आ जाए। ये गाड़ी पूरा पहाड़ के ऊपर घूम रहा है, अभी शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा के गया है इस गाड़ी ने, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये गाड़ी चुपचाप अपने जगह पे घूम रहा है। पर्टिकुलर उस गाड़ी का अभी तक कोई भी लोकेशन नहीं मिल रहा है, बस कोशिश करो कि ट्रैकर ऑन रखने का, जितना जल्दी हो सके उस गाड़ी में एक GPS फेंकना है। बस मैं वाइनवुड का एकदम टॉप में हूँ, अभी तक मुझे उस गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चला, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाड़ी जल्दी से अपने हाथ में आ जाए। मुझे लग रहा है कि मैं उस गाड़ी का बहुत करीब हूँ। दोस्तों इस गाड़ी ने अभी भी रुका नहीं, अभी भी जितने भी गाड़ी आ रहे रोड से उनके ऊपर हमला कर रहा है। इस गाड़ी को रुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ना कामयाब हो चुका है पुलिस ऑफिसर लोग। फिर भी सारे पुलिस ऑफिसर अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी को अभी मिल नहीं रहा है। जो भी इस गाड़ी को पकड़ने के लिए जा रहे कोई बच के वापिस नहीं आ रहा, इसलिए पुलिस लोग भी अभी डर चुका है लॉस सैंटोस का। मुझे उस गाड़ी का फाइनल लोकेशन मिल चुका है, वो गाड़ी रोड के ऊपर तबाही मचा रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ 24 लोकेशन में है। बस अभी उस गाड़ी को खत्म करने का टाइम है। मुझे ट्रैकिंग इस पहाड़ के ऊपर ही मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा करीब हो चुका उस गाड़ी का। फिलहाल मुझे कोशिश करना है कि इस गाड़ी को जल्दी से इधर से निकालने का। ये मुझे सामने गाड़ी दिखाई दे रहा है, ये शायद वही क्रश किलर कार है। यस आई गॉट इट, मेरा जितने भी गन है सब में पूरा पावर दे दो। लेकिन सबसे यूनिक बात ये है कि ये गाड़ी बस चुपचाप एक ही जगह पे रुका हुआ। यार अगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं रहेगा तो यार गाड़ी क्या बात बात कर सकता है क्या? हेलो गाड़ी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? और या फिर तू मुझको देख के डर रहा है? अरे तेरा हेल्थ तो 900% है, बाप रे बाप, इसीलिए शायद तेरा कुछ नहीं होता। अरे तू क्या बकवास गाड़ी है यार, तेरे लिए मैं इतना खर्चा करके सूट बनाया, इतना कुछ बनाया, लेकिन यार तू कुछ करता ही नहीं है भाई। क्या सही में इसी गाड़ी में भूत भूत है क्या? अरे अंदर तो कोई नहीं लिख रहा है मुझे। यार कोई कोई लोग तो बोलता है तू तो अपना अपना कलर भी चेंज कर लेता है खुद का, बाप रे आप कितना खतरनाक गाड़ी है तू। मैं फर्स्ट अपना सेफ्टी ले लेता हूँ, नहीं तो मेरा कुछ हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। यार कौन सा लू? हाँ ये वाला ठीक है, लेकिन गाड़ी देख, अगर तू मेरे साथ डील करेगा तो तू भी जीतेगा, मैं भी जीतूंगा, तू भी सेफ रह सकता है, मैं भी सेफ रह सकता हूँ, तो इसमें दोनों का ही फायदा है ना। वो एक गाड़ी में चाहता हूँ तू अपना कारनामा दिखा यार, मैं इतना देर से तेरे साथ बक बक के पागल हो चुका हूँ, कुछ तो कर यार मेरा। यार कन्फर्म होना यही गाड़ी है। वो वेट वेट वेट, गाड़ी से खून निकल रहा है, वाह। ओए तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? अरे तू तो तबाही कर रहा था यार शहर में, इतना सारा गाड़ी को उड़ा रहा था, अभी क्या हो रहा है तेरा? मुझे अभी लग रहा है ना तू मेरे से डर रहा है, ये तो पक्का बात है भाई। तू जो भी है गाड़ी के अंदर अगर कुछ है भी नहीं ना,
तू मेरे से पक्का डर रहा है। हो हो हो, अभी ये गाड़ी मुझे धक्का मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी अपने आप को चार्ज कर रहा है, और जब भी इसका चार्ज फुल हो जाएगा तो ये मेरे को मारेगा और साथ में पूरा शहर में तबाही मचाएगा। लेकिन 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 ये होने से पहले मैं इस गाड़ी को खत्म कर दूंगा। एक बात तो न्यूज वाले ने सही कहा कि ये गाड़ी अपने आप चलता है, अपने आप उड़ता है, अपने आप सब कुछ कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गाड़ी को बचने नहीं दूंगा, तबाही कर दूंगा, तबाही। ये गाड़ी अपने फॉर्म में आ चुका है, अभी जल्दी से इस गाड़ी को उड़ाना पड़ेगा। ये गाड़ी दोबारा रोड की तरफ जा रहा है, इस गाड़ी का पीछा करना है जैसे तैसे। वो क्रश कर, रुक जा, अब बहुत हो गया तेरा, तू आयरन मैन को धक्का दिया है, रुक जा क्रश कार्ड। मैं बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर, लेकिन इस गाड़ी का कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये गाड़ी और ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा मेरे सामने। यो, तुझे तो रुकना ही पड़ेगा क्रश कार्ड, तू अभी रुक जा, नहीं तो मैं तेरे को उड़ा दूंगा, पूरा तबाही कर दूंगा। ओ शिट, ये गाड़ी तो उड़ रहा है, सीरियसली व्हाट, ऐसा भी हो सकता है गाड़ी से खून भी निकल रहा है। मतलब कि मैं जैसा सोच रहा था, इस गाड़ी का पावर धीरे धीरे लो हो रहा है, जितना भी लो हो रहा है इसके गाड़ी के अंदर से खून निकल रहा है। कैसे रोक सकते इस क्रश कार को? मैं इतना खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर से सामना किया हूँ, लेकिन ऐसा गाड़ी मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ जो हवा में उड़ता है। वो एक क्रश कार, तू रुक जा, नहीं तो तेरा साथ बहुत खतरनाक सीन हो सकता है। मैं एक बार दूसरा पावर यूज करके देखता हूँ, शायद कुछ काम हो जाए, लेकिन मुझे क्रश कार का लोकेशन पता नहीं चल रहा है। एक बार मैं फटाफट से लोकेशन ट्रैक कर लेता हूँ क्रश कार का। मेरा इस पावर से तू कैसे बचेगा क्रश कार, मैं भी देखता हूँ। लेकिन ये गाड़ी धीरे धीरे और भी ऊपर जाने लग गया है, पूरा आसमान में चला गया ये गाड़ी। फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्रश कार, मैं आ रहा हूँ उधर ही। ओए रुक जा क्रश कार, बहुत हो गया तेरा। ओए ये ले, जैसे तैसे धीरे धीरे मुझे इस गाड़ी को नीचे लाना पड़ेगा। अब तो तू मरेगा क्रश कार, ये ले ये ले। बहुत खतरनाक खतरनाक दो शॉट मार चुका हूँ, अभी शायद ये गाड़ी नीचे उतर जाएगा। हाँ, ये गाड़ी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ओए गाड़ी तू रुक जा, ये ले। इस गाड़ी को मैं बहुत खतरनाक खतरनाक शॉट मार चुका हूँ, और भी मारूंगा। ओए गाड़ी तू बस लेते जा, ये ले ले और ले और ले और ले। सिर्फ ऐसा मार 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 के तेरा दिमाग खराब कर दूंगा गाड़ी। यार गाड़ी से खून निकल रहा है, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये कैसा गाड़ी है? इस गाड़ी का हेल्थ अभी बहुत ज्यादा घट चुका है, 900 से लेके 500 तक आ चुका है। मतलब कि मेरा सारा पावर इस गाड़ी में काम कर रहा है। हाँ, ये गाड़ी नीचे आ चुका है, बस इस गाड़ी का पीछा करना पड़ेगा। अभी मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी भागने का कोशिश कर रहा है पूरा पूरा। फिर भी मैं इस गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी तो रुक जा, ये गाड़ी अभी हवा में चल रहा है। गाड़ी तो रुक जा, बहुत हो गया तेरा, रुक जा गाड़ी। गाड़ी से खतरनाक तरीके से खून निकल रहा है, और भी मारूंगा मैं इस गाड़ी को, रुक जा गाड़ी। बस पीछा नहीं छोड़ना है इस गाड़ी का, जैसे तैसे करके इस गाड़ी को अपने साथ रखना है। इस गाड़ी का हेल्थ फाइनली 200% में आ चुका है, बस और थोड़ा सा मारने के बाद इस गाड़ी का पूरा पावर चला जाएगा। लेकिन अभी मेरा भी बैटरी बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसीलिए जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। बहुत देर से फाइटिंग करने के बाद इस गाड़ी को मैं नीचे लाया हूँ, फिर भी ये गाड़ी अपना कोशिश जारी रख रहा है। वो गाड़ी तो 90% मर चुका है, और कितना देर तक कोशिश करेगा, इससे अच्छा छोड़ दे। तुझे क्या लगता था मैं तुझको कुछ नहीं कर पाऊंगा? ये ले, अभी मेरा पावर पूरा यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू अभी खत्म होने वाला है। डेट कार्ड, क्रश किलर कार्ड, जो भी है तू ये ले। तो ये तेरा दी एंड है गाड़ी, ये ले और ले। जा बस तू लेते जा, अब तो तुझे बहुत खतरनाक खतरनाक बोना शॉट मिलने वाला है, बस रुक जा, ये ले। अब एक और मिलेगा तुझे गाड़ी, ये ले। जहाँ पे है तू उधर ही रुक, मैं अब भी आता हूँ, तेरा ऐसा हालत करूंगा कि तू कभी सोचेगा भी नहीं कि तू एक क्रश की लड़का है। ये ले और शॉट, एक और शॉट के बाद तू तबाही हो जाएगा गाड़ी। और अभी मैं तुझे मारते मारते वाइन ऊपर लेके जाऊंगा, और देखूंगा तू क्या कर सकता है। ले ले, फिर से ये गाड़ी ऊपर आके फंस चुका है, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गाड़ी, तू मर जा। अभी ये गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन मैं फिर भी इस गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। ये ले, अभी और ले और ले। ये गाड़ी दोबारा भागने का कोशिश कर रहा है, कितना दूर तक भागेगा तू? तेरे को तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा अभी हेल्थ ओनली 100% है। हाँ, ये गाड़ी नीचे की तरफ ही जा रहा है, लगता है ये गाड़ी का पावर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अभी मैं भी देखता हूँ ये गाड़ी अपने आप को कैसे बचा सकते है। मुझे बहुत जोरदार मार के ये गाड़ी दोबारा भागने का कोशिश कर रहा है, तू मुझे मार के भाग रहा है गाड़ी, रुक जा, अब तो तेरा ऐसा तैसा कर दूंगा। अब गाड़ी मैं तुझको वाइनवुड में लेके जाऊंगा,
उधर जाके मारूंगा। बहुत हो गया तेरा ये ले। अब तो मेरा पूरा पावर तेरे पे यूज कर रहा हूँ मैं। ले और ले, ये ले, ये ले। देखता हूँ मैं कितना देर तक तू बच पाता है मेरे से। तो मैं तुझे पूरा तबाही करने वाला हूँ गाड़ी। ये ले, ये ले। और कितना लेगा? ले ले ले, पूरा ब्लस्ट कर दूंगा तेरे को, एकदम पूरा तबाही कर दूंगा। हाँ, ये गाड़ी अब पूरा तबाही हो चुका है। अब इस गाड़ी में कुछ नहीं बचा है, फिर भी मैं जितना मेरा पावर है मैं सारे पावर से इस गाड़ी को खत्म करने का पूरा कोशिश करूंगा। और गाड़ी अभी तेरे को कुछ बोनस और देना बाकी रह चुका है। अभी और भी बाकी है गाड़ी, बस यही नहीं, तू उधर ही रुक जा, मैं अब भी आता हूँ। ये ले। अभी मजा आ रहा है उस गाड़ी को उड़ाने के बाद। फाइनली लॉस सैंटोस से वो क्रश किलर कार पूरा खत्म हो चुका है और शायद कभी नहीं आएगा। और अगर कभी आएगा तो इस बार पूरा एवेंजर्स टीम साथ में रहेगा। हाँ देखिए, अगर ये आयरन मैन नहीं होता तो हम लोग शायद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आयरन मैन की वजह से हम लोग ये वाला जंग जीत चुके हैं। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं आयरन मैन को, बहुत बहुत शुक्रिया उनका मदद के लिए।